अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम। वॉइस क्लियर है मेरी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मिंद्रा। निम्रा आप अटेंडेंस नोट कीजिएगा साथ साथ इनकी। ओके मैम। और मैं भी अटेंडेंस ले रही हूँ तो हम साथ में टैली करेंगे, ठीक है? ओके मैम। स्टूडेंट्स जल्दी से आ जाए करें ताकि हम क्लास शुरू करें। जैसे कि आपने कहा था 2:30 पे भी क्लास खत्म हो गई थी, तो उस वक्त सॉरी मैंने आपका टेक्स्ट नहीं देखा निम्रा, वरना मैं उस वक्त ही क्लास स्टार्ट कर देती। अब मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है रिगार्डिंग टाइम। तो जैसे कि आपको पता है हमारे वीक में 5 डेज क्लासेस हैं। 5 डेज में से 4 डेज मंडे ट्यूजडे वेनसडे एंड फ्राइडे हम 2 से 3 क्लास लेंगे, ठीक है? और उसके बाद थर्सडे वाले दिन हम 9 to 10 फिजियोलॉजी एंड 10 to 11 बायोकेमिस्ट्री लेंगे, ठीक है? ऑल एग्री? यस मैम। चलिए अच्छी बात है। और कल फ्राइडे है तो कल ऐसा है कि मैंने टाइम चेंज किया है मैडम सानिया के साथ, ठीक है? और मैडम सानिया मैं क्लास लूंगी 9 to 10 और मैडम सानिया मेरे टाइम पे क्लास लेंगी, ठीक है? क्योंकि कल मुझे थोड़ा जरूरी काम है, दैट्स रीजन। तो कल हम 9 से 10 क्लास लेंगे बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है? चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। वैसे क्या चल रहा था हमारे क्लास में, कुछ याद है? हम पढ़े थे मिनरल एंड ट्रेस एलिमेंट। मैं आपके अटेंडेंस मार्क कर रही हूँ और निम्रा आप भी कीजिएगा। जी मैम कर रहे हैं। ठीक है चलें अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स हम पढ़े थे जो कि आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है? 34 स्लाइड्स की ये हमारी प्रेजेंटेशन है और जिसमें से हम 20 स्लाइड्स पहले कर चुके थे टिल फॉस्फेट। हमने कैल्शियम पढ़ा था, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमने 2 डिजीजेस पढ़ी थी। कोई जल्दी से हम 2 डिजीजेस का नाम बताएगा? मैम रिकेट्स एंड जो इसमें बोल एक्सनी और नॉकनीस। ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स। रिकेट्स बिल्कुल। और अगर रिकेट्स जैसा ही इन्फेक्शन हमें मोर देन 16 ईयर ओल्ड बेबी में मिलता है या एल्डर में मिलता है तो वो ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है, ठीक है? हमने उसके बाद फास्फोरस पढ़ा। हमने कहा जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही फास्फोरस जरूरी है। इसका आरडीएम ने पढ़ा था कि बच्चों में कैल्शियम 2:1 रेशियो होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, ठीक है? और एल्डर्स में 1:1 रेशियो होता है, यानी 800 mg पर डे फास्फोरस भी रिक्वायर्ड होती है, हमें 800 mg पर डे कैल्शियम भी चाहिए होती है। कल का लेक्चर कुछ रिवाइज हो रहा है, 1:1 रेशियो है, एग्री? ट्रेस एलिमेंट पे अब हम आते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी बात बीच में से रिपीट करवानी हो या आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होती ड्यूरिंग सेशन, ठीक है?
मैं आपको आंसर करूंगी. नाउ द ट्रेस एलिमेंट्स इज मिनरल्स. ट्रेस एलिमेंट्स जो कि हमें ट्रेसिंग अमाउंट में मिले, ट्रेसिंग अमाउंट यानी बहुत छोटी सी अमाउंट में मिले, नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. कंटेंट इन प्लांट फूड डिपेंड्स ऑन सॉइल कंटेंट्स. मीन्स ऐसे कह लें कि खाना जो पौधा है वो खाना कहाँ से लेता है, सॉइल से. तो सॉइल कंटेंट में भी हमें वो मिनरल्स मिलते हैं. इसी तरह हम अपने फूड में भी वो मिनरल्स रख रहे हैं. ऑब्वियसली एनिमल्स और प्लांट उनको ग्रोथ के लिए एलिमेंट्स साथ में चाहिए चाहिए. जैसे मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स या एलिमेंट्स को साथ रखते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है. अच्छा, हाइट, जिन लोगों की हाइट कम होती है, ठीक है, डॉक्टर उसको देखते ही क्या लिख कर देता है, कौन सी सप्लीमेंट्स देता है, किसी को कुछ आइडिया है? कोई ऐसा है किसी की फैमिली में जिसकी हाइट कम हो, वो डॉक्टर के पास गया हो, तो डॉक्टर उसको सप्लीमेंट में एक एलिमेंट लिख कर देता है और वो एलिमेंट का नाम है, जल्दी से बताएं. महक, आपको आवाज आ रही है? महक है या नहीं? ओके. उस एलिमेंट का नाम है जिंक. जब किसी की हाइट कम होती है ना, तो मतलब रिटार्डेशन में होता है, तो डॉक्टर उसको इनिशियल स्टेज में जिंक रिकमेंड करते हैं. आयत खान, आयत खान मुझे याद आ रहा है कि शायद ये फर्स्ट टाइम ही हमारी क्लास में. किरण, आफ्ताब, क्या कहना चाह रही हैं आप? चलिए, देर आर डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई बायोकेमिकली. बायोकेमिकली हम इनको क्वान्टिफाइड करें. जी जनशा खान, आप हैंड रेस्ट कर रही हैं, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकती हैं. ठीक है. बायो अवेलेबिलिटी ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर डाइटरी फैक्टर्स. ठीक है. अच्छा, वट चले अब ट्रेस एलिमेंट में क्या क्या चीजें मिलेंगी. सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, सॉरी पोटेशियम पहले हो गया, उसके अलावा मैग्नीशियम, उसके बाद ब्रोनीन है, टेलिनियम है, आयरन है और फेरिटिन है, जिंक है. ये सारी चीजें ट्रेस एलिमेंट में, हम इनको एक एक स्लाइड में पढ़ेंगे. ठीक है. सोडियम क्या है बेटा? सोडियम इज द मेजर कैशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड. ये तो आपको पता होगा. सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड यानी इनसाइड द सेल कौन सा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है? पोटेशियम का. और बाहर कौन सा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होता है? सोडियम का. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम बहुत बड़ी मिकदार में प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अगर इसकी देखी जाए यानी ब्लड में, तो ये 135 टू 145 मिलीमोल पर लीटर होता है इन ब्लड. प्लाज्मा कंसेंट्रेशन मीन्स इन ब्लड. आईसीटी कंसेंट्रेशन यानी विद इन द सेल 3 to 10. तो इसका जो मेजर कैप्शन पाया जाता है ना, वो आउटसाइड द सेल पाया जाता है. क्यों? क्योंकि इन 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 सेल्स की वजह से, इस आयन की वजह से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना है. और एक्शन पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी में कि एक होता है रीपोलराइजेशन, एक होता है डीपोलराइजेशन. जो रीपोलराइजेशन है ना, वो है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल. और जो डीपोलराइजेशन है ना, वो है आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द सेल. आपको कुछ बातें पिछली याद आ रही है? सोडियम इनफ्लक्स होता है, यस, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. तो रीपोलराइजेशन होती है यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है. पिछली बातें अगर हम याद रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है. तो बुक पढ़ा करें बेटा, बुक की हैबिट बनाएं. मेंटेनिंग ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड होम्योस्टेसिस एंड वाटर बैलेंस. ठीक है. हाइपरनेट्रेमिया इज एसोसिएटेड विथ वाटर डिप्लीशन यानी डिहाइड्रेटेशन. हाइपरनेट्रेमिया यानी सोडियम का बढ़ जाना. बेटा जब सोडियम का बढ़ जाएगा तो क्या कॉज होगा? सोडियम का बॉडी में बढ़ जाने का मतलब है कि वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है. क्योंकि सोडियम और मतलब वाटर, जहां पे नमक वहां पे पानी, सुना है ना? तो सोडियम की क्वांटिटी बढ़ जाना मतलब बॉडी में वाटर की कमी हो गई है. इट्स डिहाइड्रेटेशन. हाइपोनेट्रेमिया, सोडियम का कम हो जाना. सोडियम का कम हो जाने का मतलब है वहां पे वाटर का एक्सेस हो गया. वाटर का एक्सेस मीन्स वहां पे एडिमा हो गया, यानी इंट्रावस्कुलर वाटर या एक्स्ट्रा वस्कुलर वाटर मतलब बढ़ गया है.
हाइपोनेट्रीमिया, जहां पे सोडियम होगा वहां वाटर नहीं होगा. ठीक. मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन एनिमल टिश्यू, ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ. एक्शन पोटेंशियल मेंटेन करने में सोडियम का रोल है बहुत बड़ा. सोडियम आर इम्पोर्टेंट इन न्यूरॉन्स. ठीक है बेटा. ब्रेन एंड नर्व, सोडियम आर इम्पोर्टेंट इन न्यूरॉन यानी ब्रेन एंड नर्व. क्यों? क्योंकि सोडियम ने क्या जनरेट करना है? एक्शन पोटेंशियल. सोडियम आर इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन सेल एंड इंटरस्टिशियल फ्लूड. सेल और इंटरस्टिशियल फ्लूड के दरमियान ऑस्मोटिक बैलेंस यानी फ्लूड का अंदर जाना और बाहर जाना डिसाइड करता है सोडियम. जिस तरफ सोडियम फ्लूड उस तरफ. ठीक. तो सोडियम का जो ऑस्मोटिक बैलेंस मींस फ्लूड की जो मूवमेंट है इनसाइड द आउटसाइड द सेल वो डिपेंड करती है सोडियम की क्वांटिटी पे. डिस्ट्रीब्यूशन इज मीडिएटेड बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप. ये एक पंप है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर. हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हुए इसको देखा था बेटा. हाइपर पोलराइजेशन जब वापिस अपनी उस पर आती है दोबारा से अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, हाइपर पोटेंशियल जब रिवर्स होकर जाता है तो उस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या काम हो रहा होता है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप एक्टिव होता है. सोडियम तीन सोडियम बाहर, दो पोटेशियम बाहर, तीन सोडियम अंदर, ये काम चल रहा होता है उस वक्त. सोडियम डन. ठीक है. पोटेशियम क्या काम करता है? बिल्कुल सोडियम के साथ ही पोटेशियम को भी रखें. पोटेशियम रिटेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है. पीएच को मेंटेन करता है पोटेशियम. इंट्रासेलुलर पीएच किसकी रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है इंट्रासेलुलर पीएच का. ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड रूमेन डाइजेशन, इसकी डेफिशिएंसी के साइन क्या है बेटा? नॉन स्पेसिफिक और अनलाइकली अंडर मोस्ट कंडीशन बट मे हैव डिक्रीज फीड कंजप्शन एंड एफिशिएंसी. डेफिशिएंसी साइन इसके ये हैं कि मोस्टली तो इसकी डेफिशिएंसी के साइन पता नहीं चलते, लेकिन जब पता चलते हैं तो फिर जब इंसान को भूख ना लगना. ठीक है. ये पोटेशियम डेफिशिएंसी की साइन है. सोर्सेज में ग्रेन्स, रूफेज, ये सारी चीजें आप यूज कर. पोटेशियम इज अ प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड. ऑब्वियसली अगर सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा पाया जाता है तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर में, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है ना, ये दोनों ऐसे कर ले एक दूसरे के दुश्मन है, अलग अलग रहते हैं. ठीक है. प्लाज्मा कंसेंट्रेशन इसकी 3 to 5, ये पॉइंट है बेटा, इट्स नॉट कॉमा. मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं इसकी करेक्शन करके आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगी जो मतलब आपको मुझे देनी है. 3.5 to 5.2 mmol/L पोटेशियम की कंसेंट्रेशन है ब्लड में. आईसीएफ में इसकी कंसेंट्रेशन है 110 to 160. की रोल पोटेशियम का क्या है बेटा? स्केलेटल और स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन करवाना. पोटेशियम कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, कैल्शियम रिलैक्सेशन करवाता है. एग्री. द मेन डाइटरी सोर्स इज द सेलुलर मटीरियल वी कंज्यूम एज फूड स्टफ. इसकी डाइटरी सोर्स सेलुलर मटीरियल है. और सेलुलर मटीरियल कौन सा है बेटा? आई थिंक वो मटीरियल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो, यानी प्लांट, ग्रीन लेफी, वेजिटेबल्स. कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इन प्लाज्मा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीएच ऑफ ब्लड. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंट्रासेलुलर मतलब ब्लड की या इंट्रासेलुलर जो पीएच है उसको मेंटेन करने रिस्पॉन्सिबिलिटी पोटेशियम की है. अल्कलोसिस मीन्स बेसिक, यानी कि पीएच मोर देन 7.44 होगी इसका मतलब है हाइपोकैलेमिया हुआ हुआ इसको, यानी कि उसमें पोटेशियम सेल पोटेशियम की डेफिशिएंसी है. राइट. अगर हाइपरकैलेमिया हो जाए यानी कि एसिडोसिस पोटेशियम की ज्यादती हो जाए, पोटेशियम बढ़ जाए, तो उसकी पीएच 7.36 से ऊपर कम होगी, यानी एसिडिक मीडियम में होगी. इतना तो आपको पता है ना बेटा, 7.4 से ऊपर, 7 to 10 बेसिक है, 7 to 1 एसिडिक है. ठीक है. हाइपोकैलेमिया कॉज बेसिक मीडियम, हाइपरकैलेमिया कॉज एसिडिक मीडियम. ठीक है. हाइपरकैलेमिया प्रोड्यूस करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, यानी लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स ऑफ पोटेशियम एक्सिस ऑन द हार्ट. हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया का मतलब एसिडिटी. और बेटा अगर ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाएगी तो इट्स फॉर
लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम फॉर हार्ट, हार्ट उसकी पीएच को मेंटेन नहीं कर सकेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड को अल्टीमेटली हार्ट की तरफ करना है मूव. नाउ व्हाट्स द सोडियम क्लोराइड, कंसीडर टुगेदर बिकॉज ऑफ द क्लोज केमिकल रिलेशनशिप आर प्रोवाइडेड एज कॉमन साल्ट. जैसे साल्ट है ना सोडियम क्लोराइड, इसमें हम सोडियम और क्लोराइड दोनों को साथ पढ़ते हैं. जी मैम, पहले वाला अभी तो बताया, थोड़ा रिपीट करें, सॉरी हम अभी लेट आए थे तो. ठीक है बेटा, मैं पोटेशियम के बारे में बता रही थी. इस स्लाइड में पढ़ने के लिए बस ये है कि पोटेशियम ब्लड की पीएच को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल है. एग्री. अब अगर ब्लड की पीएच अल्कलोसिस यानी बेसिक मिल रही है, हमें मोर देन 7 मिल रही है, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम की कमी है बॉडी के अंदर, हाइपोकैलीमिया है. और अगर हमें पीएच ब्लड की वो 7 से कम मिल रही है, यानी पीएच एसिडिक है, ब्लड एसिडिक है, इसका मतलब है कि पोटेशियम हमारी बॉडी में ज्यादा है, हाइपरकैलीमिया. बेटा अगर हाइपरकैलीमिया होगा, अल्टीमेटली ब्लड का पीएच डाउन है यानी एसिडिक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है किसके लिए, हार्ट के लिए. मैंने हाइपरकैलीमिक पेशेंट्स को, सॉरी हाइपोकैलीमिक पेशेंट्स को मैंने पैरालाइज्ड होते हुए देखा है, यानी पैरालिसिस में चले जाते हैं वो पेशेंट, उनकी उनका मोटर कंट्रोल चला जाता है पोटेशियम के कम होने से, हाइपोकैलीमिया होने से. मैं लाहौर में एक ऐसा पेशेंट ट्रीट करके आई हूँ, इनफैक्ट वो अभी तक भी सही से स्टेबल नहीं है. पोटेशियम तो उसका है, पोटेशियम के लॉस होने का रीज़न था फ्रिक्वेंट डायरिया. डायरिया ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका पोटेशियम बॉडी का पूरा लॉस हो गया. जैसे उसकी कंडीशन हाइपोपोटेशियम में गई, हाइपोकैलीमिया में, हाइपोकैलीमिया के बाद उस पेशेंट के साथ ये हुआ कि वो सेमी कोमा कंडीशन में चला गया. सेमी कोमा, थोड़ा लाउड बोले मैम. ठीक है बेटा, मैं लाउड बोलूंगी. मैं आपको बेटा कंडीशन बता रही थी इसकी कि एक पेशेंट थी, उसका नाम था हबीबा, और हबीबा की एज थी 21 ईयर ओल्ड, और रिसेंटली उसका निकाह हुआ था, वो बहुत ही यंग एज में थी. उस बंदी को फ्रिक्वेंटली डायरिया स्टार्ट कर रही है. आवाज कट रही है, अब क्लियर है? अब क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. बेटा मैं आपसे क्लिनिकल केस डिस्कस कर रही थी, हाइपोकैलीमिया के हिसाब से क्लिनिकल केस में ये था. एक स्टूडेंट थी, एक मेरी पेशेंट थी हबीबा, और हबीबा की एज थी 21. रिसेंटली उसे क्या हुआ कि उसे फ्रिक्वेंटली डायरिया स्टार्ट हो गया, और उस डायरिया की मेडिसिन जैसे हम आम लेते हैं फ्लैजल और ये वो सारी चीजें, इस तरह वो लेती गई, लेकिन उसका डायरिया नहीं रुका. अप्रोक्स 2 मंथ उसको है, मतलब डायरिया रहा, फ्रिक्वेंटली डायरिया रहा उसको 2 मंथ. इसके रिजल्ट में क्या हुआ, उसकी बॉडी का पोटेशियम लॉस हो गया, यानी उसकी कंडीशन हो गई हाइपोकैलीमिया. हाइपोकैलीमिया की होने की वजह से इन कुछ टाइम के बाद वो सेमी कोमा कंडीशन में चली गई, और जब वो उठी तो वो पैरालिसिस की कंडीशन में थी. पैरालिसिस मींस उसका मोटर कंट्रोल लॉस हो चुका था, उसका मसल ग्रेडिंग, जो किसी मसल ग्रेडिंग का आपको पता होगा, कनेसियोलॉजी में पढ़ा होगा मसल ग्रेडिंग, तो उसका जो मसल ग्रेड था वो -2 में था उस वक्त. एक अच्छी भली बंदी का हाइपोकैलीमिया की वजह से जस्ट ग्रेड पूरा 4 लिम्स का ग्रेड उसका -2 पे चला गया था. फिर उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी होती रही और अब वो काफी मेंटेन है. ये इतना बड़ा नुकसान है इन मेटल्स की डेफिशिएंसी का. ठीक है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप रिपोर्ट्स देखो तो आप उसको बता सको कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है बैक पेन के साथ, और उसकी कमर का दर्द जा ही नहीं रहा. आपने उसकी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं ली, आपने उसकी ब्लड सीपी चेक नहीं की. अब आप उसकी ब्लड की सीबीसी करवाओ और चेक करो. सीबीसी में आएगा कि उसका हेमोग्लोबिन 8 से कम है. बेटा जिसका हेमोग्लोबिन 8 से कम है उसका बैक पेन आप ट्रीट नहीं कर सकते, जब तक आप उसका हेमोग्लोबिन मेंटेन नहीं करोगे. सो इतना अच्छा कोरिलेशन है इन मेटल्स का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ. इसलिए बेटा इनकी डेफिशिएंसीज, इनकी मेडिसन्स, इनकी सप्लीमेंट्स, ये सब आपको, इनफैक्ट आपको इनका डेली डोज भी पता होना चाहिए, ताकि जब आप पेशेंट को ट्रीट करो तो आप उसको डाइट के लिए भी गाइड कर सको. सो एग्री बायोकेमिस्ट्री अब इम्पोर्टेंट लग रही है आप लोगों को?
यस मैम, वरना पूरा सेमेस्टर yes, बेटा आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री अब शुरू किया है। ओके जयदन, चलिए हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया हो गया, ये सवाल था एक स्टूडेंट का, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड पे चलें, तो सोडियम क्लोराइड एक छोटा सा बायोकेमिकल है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, इसलिए हम सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं पढ़ते। जहां क्लोरीन की बात होगी वहां सोडियम चिपका हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि कॉमन साल्ट की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सोडियम क्लोराइड है, एग्री। इसका फंक्शन बेटा क्या है, ये फॉर्मेशन करवाता है और रिटेंशन करवाता है, किसकी, पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स की, सच एज प्रोटोप्लाज्म, ब्लड। जहां पे भी ब्लड की पीएच या प्रोटोप्लाज्म की पीएच ऊपर या नीचे होगी उसकी कंसंट्रेशन को बेहतर करने के लिए सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फंक्शन इन नर्व एंड मसल एक्टिविटी। नर्व और मसल एक्टिविटी में सोडियम का रोल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, इससे आप क्या करते हो बेटा, ड्यूडिनम के अंदर लीवर से और पैंक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस आकर गिरते हैं और वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से हमारे बहुत सारे मटेरियल की डाइजेशन होती है। तो ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन में भी सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फंक्शन समझ आया, अब हम इसकी डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। पुअर कंडीशन एंड डिप्रेस्ड एपेटाइट, पुअर कंडीशन यानी एक मिनट, महक क्या मैं फास्ट चल रही हूँ, महक आंसर करें मुझे, महक आज प्रेजेंट है या नहीं, आई थिंक महक एब्सेंट है। डेफिशिएंसी साइन में अगर देखें तो पुअर कंडीशन एंड डिप्रेस एपेटाइट, यानी कि भूख का ना लगना सोडियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी है। मोस्ट फॉर्म प्रोड्यूस फीड्स आर डेफिशिएंट इन दोस इन दीज टू मिनरल्स, ठीक। सोर्सेज इसकी साल्ट सप्लीमेंट एंड इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, साल्ट सप्लीमेंट नमकीन चीजें खाना, ठीक है। मैंगनीज MN, इसका बेटा फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, फेटल की डेवलपमेंट, ठीक है, यूट्रस की डेवलपमेंट, मिल्क की प्रोडक्शन, स्केलेटन की डेवलपमेंट, ये सबका सब काम मैंगनीज एलिमेंट की हेल्प से होता है। अगर बेटा ये नहीं मिले तो इसकी डेफिशिएंसी साइड में होगा अबॉर्शंस। अबॉर्शन इस सेंस में कि एक बेबी, एक मदर है, ठीक है, वो कंज्यूम नहीं कर पा रही, उसने कंजप्शन की, उसने बेबी परसीव किया, अब बेबी उसकी गोद में, मतलब उसके यूट्रस में बन रहा है। अब इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो गई, जिसमें आयरन है, जिंक है और ये MN है, मैंगनीज, ठीक है। इनकी डेफिशिएंसी से फेटल की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही। तो आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कितने वीक तक प्लेसेंटा जो है वो प्लेसेंटा कितने वीक तक उसको फूड दे रहा होता है। आंसर कोई नहीं कर रहा। तो बेटा उसके बाद इन सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाते हैं और फीटल की डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर ये सारे डेफिशिएंट हैं, फीटल की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, तो क्या फीटस, जी मैं आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, जस्ट अ मिनट, वॉइस क्लियर बेटा, वॉइस आवाज नहीं आ रही, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे। जी मैम आ रही है। That's good. बेटा इसकी deficiency sign में अब fetal की development नहीं हो रही क्योंकि ये वाले elements नहीं है, तो obviously in future क्या होगा, abortion cause होगा, यानी कि baby जो है वो loss, हम baby loss कर जाएंगे, ठीक है। Reduced fertility, deformed young and poor growth, अगर baby होगा भी तो size में बहुत छोटा,
पुअर ग्रोथ के साथ वो बेबी होगा क्योंकि उसको मदर से ही एमएन की डेफिशिएंसी थी. ठीक है. इसके सोर्सेज में मोस्ट यूज ट्रेस मिनरलाइज्ड सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड, उसके साथ इसकी सोर्स है एमएन की भी, तो हम सॉल्टी फूड लेंगे. मैग्नीशियम का मेटाबॉलिज्म बेटा क्या होता है? मैग्नीशियम ओनली 1-3% ऑफ टोटल इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम एग्जिस्ट एज अ फ्री आयंस. एज अ फ्री आयन सिर्फ 1-3% मैग्नीशियम इंट्रासेलुलर में घूम रही होती है. टोटल सेलुलर कंसेंट्रेशन इसकी है 5-20 मिलीमोल पर लीटर. इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम इज प्रीडोमिनेंटली इंट्रासेलुलर मैग्नीशियम इज प्रीडोमिनेंटली कॉम्प्लेक्स टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. मैंने जो ऊपर वाला आपको फर्स्ट पॉइंट बताया उसकी मीनिंग मुझसे किसी ने नहीं पूछी कि ओनली फ्री आयनाइज्ड मैग्नीशियम इंट्रासेलुलर में फ्री सिर्फ 1-3% घूम रहा होता है. बाकी मैग्नीशियम फ्री नहीं होता तो वो कहाँ होता है? तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाता है ऑर्गेनिक चीजों के साथ, यानी ग्लाइकोजिन के साथ, ग्लाइकोलिपिड्स के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इन सारी चीजों के साथ मैग्नीशियम बाइंड होता है. क्योंकि फ्री मैग्नीशियम इतना सेल अलाउ नहीं करता ना, 1-3% ही फ्री मैग्नीशियम एज अ फ्री रेडिकल फ्री आयनाइज्ड फॉर्म घूम रहा होता है. बेटा इसके इफेक्ट क्या होंगे? मैग्नीशियम के ये नॉर्मल इफेक्ट हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सर्टेन इफेक्ट्स ऑफ मैग्नीशियम आर सिमिलर टू कैल्शियम. जिस तरह कैल्शियम काम करती है उसी तरह मैग्नीशियम काम करती है. इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम कॉज डिप्रेशन टू सीएनएस. ठीक है. और डिक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम कॉज इरिटेबिलिटी टू सीएनएस. मैग्नीशियम बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर तो डिप्रेशन कॉज होगा टू द सीएनएस, सुस्त होंगे हम. और अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा बॉडी में तो इरिटेबिलिटी होगी सीएनएस में, यानी एटनी. इस तरह कह लें कि एक्स्ट्रा फिट्स नहीं पड़ते, जिस तरह एक्स्ट्रा मूवमेंट्स रिजिड मूवमेंट्स फिट्स की तरह वैसा होना शुरू हो जाएगा मैग्नीशियम के कम होने से. ठीक. न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में इसका क्या इफेक्ट है? ये डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट करता है. तो मैम हम ऐसा बोले जो फिट्स आते हैं किसी भी पेशेंट को तो वो मैग्नीशियम की अगर बेटा मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि एलिमेंट एक एंड रेंज तक अपनी डेफिशिएंसी के साइन शो नहीं करते. ठीक है. और फिर उसके बाद जब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं, जैसे मैं हबीबा वाला केस आपको भी बता चुकी हूँ, उसमें जैसे पूरी तरह से पोटेशियम उसका लॉस हो गया डायरिया में, उसके बाद वो सेमीकोमा कंडीशन में गई, तो जब ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये अपनी एक्सिस और सीवियर कंडीशन शो करते हैं. टेटनी का सुना है? टेटनी फिट्स की एक कंडीशन है ना, जिसमें आपका हाथ खुद ब खुद वो मूव भी करता है, स्टिक भी हो जाता है, स्पाजम में भी चला जाता है, मतलब स्पास्टिक सी कंडीशन हो जाती है. तो फिट्स की तरह ही होता है ना वो. तो हम कह सकते हैं उस वक्त उसकी मैग्नीशियम को मेंटेन करना हमारे लिए फिर बहुत जरूरी हो जाता है, अगर ये नॉर्मल बंदे में है तो. वरना बेटा फिट्स की एक जस्ट एग्जाम्पल है. फिट्स आपको एपिलेप्सी में भी मिलते हैं, फिट्स आपको सेरिब्रल पाल्सी में भी मिलते हैं, फिट्स आपको कंडीशन है एक नर्व की न्यूरोटोमाइसिस करके नाम है उसका, उस कंडीशन में भी आपको फिट्स मिलते हैं. समझ आ रही है आपको? तो एक रीजन फिट्स का मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है. एग्री? मतलब एक बंदा आपके पास फिट्स की हिस्ट्री लेकर आएगा तो आप उसकी ब्लड सीपी करवा के मैग्नीशियम जरूर चेक कर लेंगे बॉडी में. बेटर. चलिए आगे चलते हैं. न्यूरोमस्कुलर में मैग्नीशियम क्या रोल प्ले करता है? डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट्स ऑन स्केलेटल मसल्स. एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम कॉज डिक्रीज इन एसिटाइलकोलीन रिलीज्ड बाय मोटर नर्व इंपल्स. एसिटाइलकोलीन सेक्रेट करता है मोटर नर्व इंपल्स. एक्शन पोटेंशियल में एक नर्व एक इंपल्स जनरेट होती है ना, वो होती है बाय केमिकल स्टिमुलेशन, और वो जो केमिकल है वो है एसिटाइलकोलीन. तो मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाना एसिटाइलकोलीन को कम कर देता है. ठीक है. 10 मिनट के बाद आप लोग फिर से मीटिंग को रिकनेक्ट करेंगे. ठीक है बेटा. मैम ये इफेक्ट ऑन न्यूरोमस्कुलर सिस्टम दोबारा बताएं. जी बेटा, अब इसका एक ही पॉइंट हुआ, वो ये कि एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का बढ़ जाना एसिटाइल कोलीन के रिलीज को कम कर देता है. और एसिटाइल कोलीन का रिलीज आपके लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है बेटा कि एसिटाइल कोलीन एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और एक नर्व से दूसरे नर्व यानी डेंड्राइट से जो है ना वो न्यूरॉन के एंड तक इस तरह वो चलता जाता है. तो ड्यू टू एसिटाइल कोलीन ना इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर राइट. तो न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज कम कर देता है मैग्नीशियम का बढ़ जाना. ठीक है, इस तरह ये इफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को. सेकंड पॉइंट, मैम आवाज नहीं आ रही. यस मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है. आवाज नहीं आ रही. ओके जस्ट अ मिनट. बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? मुझे कोई बता दे. यस मैम क्लियर है. ठीक है, अभी क्लियर हुई या पहले? मतलब अभी क्लियर है. ओके ठीक है. इसका सेकंड वन था एक्शन टू इंक्रीज मैग्नीशियम और न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस आर एंटागोनाइज्ड बाय द कैल्शियम. बेटा कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम और उसकी रिलैक्सेशन. मैम पहले ही पॉइंट सही से नहीं समझ आया कि जो एक्सेस होगा वो एसिटाइल कोलीन की रिलीज को कम कर देगा. जी बिल्कुल, मैग्नीशियम का एक्सेस बॉडी में एसिटाइल कोलीन को डिक्रीज कर देगा. मैंने आपसे पहले कहा और इसका डिक्रीज होना, इसका डिक्रीज होना मोटर नर्व इम्पल्स को इम्पेयर कर देगा. यानी हम मोटर एक्टिविटीज हमारी कम हो जाएंगी, ये समझ लें. मैम एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम भी तो मोटर एक्टिविटी कम करेगा एसिटाइल कोलीन का जब रिलीज कम होगा तो. जी एसिटाइल ट्रांसमीटर की वजह से बिल्कुल एसिटाइल कोलीन एक्टिविटी कम हो जाएगी ना. बिल्कुल एसिटाइल कोलीन एक्टिविटीज करवा रहा है ना, यानी एक्शन पोटेंशियल को आगे की तरफ भेज रहा है एसिटाइल कोलीन. एग्री? जी बिल्कुल यस एग्री. और अगर वो डिक्रीज हो गया है ड्यू टू एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम तो क्या कॉज होगा? एक्टिविटीज कम होंगी या डिले होंगी. ठीक है. नाउ द एक्शन ऑफ इंक्रीज मैग्नीशियम ऑन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस आर एंटागोनाइज्ड बाय द कैल्शियम. एक्शन ऑफ इंक्रीज मैग्नीशियम ऑन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के ऊपर मैग्नीशियम का एक्शन इंक्रीज हो जाना, यानी ये समझ लें कॉन्ट्रेक्शन करवाता है मैग्नीशियम और उसको एंटागोनाइज करवाता है कैल्शियम. एक मसल की कॉन्ट्रेक्शन की रिस्पॉन्सिबल है मैग्नीशियम एंड पोटेशियम और उसी मसल के रिलैक्सेशन का रिस्पॉन्सिबल क्या है? कैल्शियम. ठीक है. एबनॉर्मली लो कंसेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड रिजल्ट इन टू इंक्रीज एसिटाइल कोलीन. अब बेटा उसका फर्स्ट पॉइंट का उल्टा करो. फर्स्ट पॉइंट का उल्टा करने से ये हमें पता चला कि मैग्नीशियम जैसे ही कम हुआ हमारा एसिटाइल कोलीन जो है वो बढ़ गया. ठीक है बेटा, 345 पे लाइट जाती है. ओके हम इसको ज्योतिका हम इसको जल्दी कवर करेंगे. आपकी अटेंडेंस हो चुकी है. ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है. बाकी ट्राई करती हूँ मैं इसको जल्दी कवर करूँ. बेटा अब इसका अपोजिट करो कि मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन को कम करो. जैसे ही मैग्नीशियम की कंसेंट्रेशन कम होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड रिजल्ट क्या करेगा? इंक्रीज एसिटाइल कोलीन. अब एसिटाइल कोलीन बढ़ रहा है. अब एसिटाइल कोलीन के बढ़ने से ये होगा कि जो एक सिग्नल हमारे पास आ रहा था एक्शन पोटेंशियल का अब वो बार बार आएगा. यानी जो मोटर एक्टिविटी एक दफा हमने करनी थी अब वो हम बार बार करेंगे और बार बार मोटर एक्टिविटीज को करने की वाली कंडीशन को हम कहते हैं टेटनी. टेटनी में क्या होता है? मसल की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है. एग्री विद दिस मैम? एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम में वैसोडायलेशन का मतलब किसकी वैसोडायलेशन करें? वेसल्स की.
ओवरऑल बॉडी की वेसल्स इंक्रीज हो जाती है मैग्नीशियम के बढ़ने से, और इससे अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, ब्लड प्रेशर बिलो की तरफ जाएगा। वेजो डायलिटेशन ब्लड प्रेशर लो करता है ना, और वेजो कंस्ट्रक्शन ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। जी मैम बिल्कुल। चलिए गुड हो गया। मैग्नीशियम का मेटाबॉलिज्म हाइपोमैग्नीशियम होगा, चेंज इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, चेंज इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस, हाइपर इरिटेबिलिटी, साइकोटिक बिहेवियर और टाइटनी वगैरह सब कुछ। ठीक है, हाइपोमैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम का कम होना, टाइटनी और हाइपर इरिटेबिलिटी यानी कि एसिटाइल कोलिन बढ़ रहा है ऊपर वाली कंडीशन में। ठीक है, और नीचे हाइपर मैग्नीशियम हो रहा है यानी एसिटाइल कोलिन लो हो रहा है, मसल वीकनेस होगी, हाइपोटेंशन होगा, ईसीजी चेंजेस होगी, सेडिएशन एंड कंफ्यूजन होंगी। सेडिएशन और कंफ्यूजन का मतलब है हमारा सीएनएस डिप्रेस होगा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था हमने ऊपर इफेक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यानी हाइपर मैग्नीशियम में सेडिएशन और कंफ्यूजन हो रही है यानी कि डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, हाइपरमैग्नीशियम इज यूजुअली ड्यू टू रेनल इनसुफिशिएंसी, ऐसा नहीं है कि हाइपरमैग्नीशियम है तो मतलब हम खाने में मैग्नीशियम ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा, ये मे बी ड्यू टू रेनल इनसुफिशिएंसी, हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही और वो हमारी मैग्नीशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही, इसीलिए हमारी जो मैग्नीशियम है बॉडी में बढ़ गया। ठीक है, इनटेक ठीक है लेकिन उसका एक्सक्रीशन सब में मैग्नीशियम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना बेटा, हर आयंस की अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन पांच बहन भाइयों को तो आप फिंगर टिप्स पे रखो, इन पांचों को आपने लाजमी याद करना है, और बहुत ज्यादा इसको आपने इसकी आरडीए तक फिक्स करके याद रखनी है। ठीक है, नाउ द कॉपर, कॉपर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब ये सारी चीजें आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे। ठीक है, कॉपर क्या करता है, रैपिड ग्रोथ करवाता है, कॉपर डिमांड्स इन इन्फेंसी, रैपिड ग्रोथ इन इन्फेंसी यानी इन्फेंट में, छोटे बच्चे में रैपिड ग्रोथ करने के लिए कॉपर यूज होता है। ठीक है, इसका फंक्शन हो गया, एडल्ट बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 100 mg ऑफ कॉपर होता है, अप्रोक्सीमेटली 100 mg कॉपर पर डे आरडीए हमें एडल्ट बॉडी को चाहिए। द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन आर इन लीवर, किडनी एंड हार्ट, कॉपर ज्यादातर हमें लीवर, किडनी और हार्ट में मिलता है। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द जीआईटी रिक्वायर अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म। ठीक है, जीआईटी ट्रैक एक एब्जॉर्प्शन करने के लिए, चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे गैस्ट्रिक जूस चाहिए था ना उनको चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए, इसी तरह एक बॉलस में से, जो बॉलस वो बनता है फूड का, जो बॉलस बनता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे उसको अब्सॉर्प्शन करने के लिए, अच्छी अच्छी चीजों को अब्सॉर्ब करने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, उसको कॉपर चाहिए, तो उसको एक प्रोटीन चाहिए, और जो प्रोटीन उसको कौन लाकर देगा, कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल बाइंडिंग प्रोटीन को लाने में हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक, कॉपर आयंस आर हाईली इनसॉल्युबल, मेटिलोथायोनाइन इसको कहते हैं, हाईली इनसोल्यूबल है ये, यानी कॉपर अगर बॉडी में थोड़ा सा भी आ गया तो देर तक चलता रहेगा, अगर सोल्यूबल होता तो बेटा ये एब्जॉर्प्शन प्रोटीन लाते ही उसके साथ यूज भी हो जाता, तो फिर हमें अपनी डेली रिक्वायरमेंट में कॉपर भी